अब ये लोग निकलने वाले हैं, जाने की तैयारी हो रही है, ये नहा वाली है, जा रही कपड़े चेंज करने, और इधर ये जो है दरबान की तरह खड़े हैं कि तुरंत चलो तुरंत चलो। अच्छा फैमिली पैक है। और ये रेडी तब निकलने का, एकदम निकल रहे हैं आप लोग। पुप्पा जी गए ना, निशा ना आई हो, पुप्पा जी गए ना कि मिट्टी और निशा रो रो आ जाओ। हाँ तो रो, तुम लोग एक दूसरे को पकड़ के जा रही हो तो रो निशा क्यों, तो मन तो नहीं था जाने का। ओम ए, तुम्हारा मन कर रहा है जाने का, टॉयलेट किए हो नहीं। जाओ कर लो, जाने मन को बाय बोले हो, बाय। अरे यार हाय का, हाय चप्पल ये भी नहीं उतर रखी है, मैं तो भुला के चल जाती तो क्या कर रहे हो ये तुम। ओवर हो रहा है मिस्टी तुम्हारा, अच्छा चौड़ा बड़ी लंबाई लगा पैचू है, मुझे तो लगा कहीं सदा सुहागन न कह दो तुम्हारा जो है ऐसी करती है, वो खाती है पूरे मुंह में लगा लेती है। अच्छा तो हम चलते हैं, चलिए ओके खुश रहिए, बाय बाय, होली इन एडवांस, खुश रहो, बाय बाय बाय। फूफा जी पढ़ा खुश रहिए, खुश रहिए, मिस्टी दीदी का पैर छुओ, मिस्टी दीदी का पैर गाड़ी में, गाड़ी में। अरे ये क्या हो रहा है, गाड़ी में आओ जल्दी मेरे साथ चलो, कहा मेरे घर चलो जल्दी आओ, चलो 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 जल्दी आओ, मिस्टी बड़ी है पैर छुओ, पैर छुओ चलो, अरे प्रणाम करते हैं, हेलो, अरे छुए नहीं हो, छू तो लिया जी, चप्पल पे छुआ, खुश रहो, बाय बाय। ऋषा तुम मालकिन हो क्या कि तुम आगे बैठ रही हो, मांटी पोको आगे बैठने दो। क्या कैसे लगी है, एक दिन मैं ना गिर गया था, कैसे वो बगल वाला गिरा दिया था, आप जाइए अभी वो एक दो घंटे बात करेगा फिर जाएगा, आप लोग निकलिए ठीक है ना, वो तो वही है, नहीं है वो कहावत है, बाय बाय बच्चों। ये है कि मान जाता है आसानी से, पहले थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करता है फिर मान जाता है, बाय दोस्तों, बाय 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 बाय। अरे इनका तो बड़े इनके बड़े नखरे हैं, ये करो शीशा नीचे करो। सो गाइज अब यहाँ बैठ के कर रही हूँ एडिटिंग, सारे लोग चले गए, मेरी ननन चली गई, नंदो ही चले गए, और मम्मी तो रात में ही चली गई थी, आप लोगों ने देखा ही, और अब मैं यहाँ एंजॉय कर रही हूँ ये वाले रसगुल्ले, जो कि आप लोग जानते ही हैं कि ये मेरा बहुत फेवरेट है, और ये उसमें भी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, मतलब रसगुल्लों में ही जो सबसे फेवरेट वाला होता है वो मेरे नंदोई जी लेकर के आए थे, उनको पता है, तो बस मैं वही इंजॉय कर रही हूँ और साथ के साथ एडिटिंग भी कर रही हूँ, तो बस व्लॉग में बने रहिएगा। क्या क्या हुआ, ए क्यों बोल रही हो क्यों, अरे अरे पागल हो गई अब तुम, अरे थप्पड़ खाओगी क्या, कल नहीं मौका मिला फोड़ने का तुमको, ये सब क्या कर रही हो, अब सारी सफाई तुम खुद करोगी, अब ये सारे जितने भी वो हैं, हाँ टूट टूट के जितने गिरे हैं सब तुम उठाओगी,
सारी सफाई देखो तोड़ ताड़ दी सब। अभी ये बीमार थी। हाँ अब ये ठीक हो गई, सारी बीमारी ठीक हो गई इसकी। तो पढ़ने जा रहा है तो ठीक नहीं हो गया। मम्मी क्या कह रही है? झालर खा लो। अच्छा तो अब उसको छूना नहीं, वो मैं ढंग से निकालूंगी, नहीं तो तुम सारा तोड़ दोगी। हाँ नहीं मैं नहीं करूंगी, मैं इस वक्त नहीं। तुम्हारा इस समय मन कर रहा था तो तुमने जो करना था कर लिया, अब मेरा कल मन करेगा, आज नहीं मन कर रहा है बस। शाम हो गई है, मैंने अपनी चाय पी ली और आज दिन भर सब लोग रेस्ट कर रहे थे, ज्यादा कुछ काम नहीं कर रहा था क्योंकि ज्यादा कुछ काम था भी नहीं। जो भी काम था वो सुबह सुबह था, सब उन्होंने क्लीनिंग वगैरह कर ली और जा रही हूँ किचन में, देखती हूँ क्या काम बाकी है। अब चलो कुछ देखो क्या बने बनेगा डिनर में, वो तो करना पड़ेगा, तो चलते हैं किचन में ही। मम्मी मम्मी क्या है? मम्मी क्या बुला रही हूँ? मम्मी ये देखो मेरे पास कितनी सारी चॉकलेट है, ये सारी चॉकलेट है, देखो और भी चॉकलेट है। शायद निकाल के खा ले मम्मी ये। अरे मम्मी नहीं ये मम्मी। अरे इतनी मेहनत की है, इसके बर्थडे में एक चॉकलेट नहीं दे सकती अपनी मम्मी को। मुझे ये तो चाहिए मम्मी, ये चाहिए बनता है ना भाई, एक तो बनता है मम्मी। तो उसमें से तुमको दादी पापा कृषि को देना पड़ेगा जी। नहीं हाँ। ये बस मेरा नहीं मेरा हम ज्यादा लवर है चॉकलेट लवर। मम्मी पहले ये देखो मेरे से ज्यादा नहीं है, पहले की देखो कभी इधर चॉकलेट नहीं आता, सेलिब्रेशन के साथ और एक्टिविटी सारी मिठाई बेबी टॉफी हर टाइप का चॉकलेट हो गया मेरे पास। अब मजा आएगा, मैं पूरे एक दिन में सब अकेले खाऊंगी। ये देखो ये क्या हो जाएगी फिर, ये कहती मैं पतली हो जाती, मैं पतली हो जाती, ऐसे पतली होगी तब हम चॉकलेट खा के। हाँ मैं दो यार चॉकलेट से मन खुश होता है। मुझे देखो ये पसंद नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेइज्जती मार रही है, बेइज्जती मार रही है। बेइज्जती तो है, मुझे बस दे दे मेरा डेरी में। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में भी अच्छा कर रहे होंगे। तो अभी गाइस नाश्ता वाश्ता हो चुका है और हम लोग थोड़ी देर बैठ करके टीवी भी मैंने देखा और तब तक एक ऑर्डर मैंने लगाया हुआ था बेडशीट का। उस दिन दीवान सेट मंगाया था ना, वो इतना पसंद आया, मम्मी बोली एक और लगा दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और एक बहुत ही अच्छा और उससे भी प्यारा, मतलब प्यारा तो वो भी है बट ये और भी खूबसूरत लग रहा है, एकदम क्लासी सा लुक है। तो चलिए मैं वो दीवान सेट आपको दिखाती हूँ, मैंने बेड पे लगाया है। सो गाइस यही है वो दीवान सेट, मैंने ऐसे ही ऊपर ऊपर से लगा दिया कुशन के ऊपर और मैं देख रही थी कैसा लग रहा है, मैंने सोचा अपने व्यूअर्स को भी दिखाऊं। तो होली के लिए शॉपिंग स्टार्ट हो गई है और देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। गाइज मैं अपनी किचन में आई हुई हूँ और ये देखिए दूध गरम करके अभी रखा था, अभी दूध गरम ही है गाइज, अभी टच करने में ये मतलब गरम ही है, मैं इसे हटा देती मगर ये देखिए चींटियां लग गई। और ये हमेशा जैसे ही गर्मी शुरू होती है मेरे किचन में इतनी चींटियां लगती हैं, मतलब चावल में, दाल में, हर मीठी चीज में, मतलब आटा में, मतलब इतना ज़्यादा मतलब चींटियों का झुंड का पूरा जमावड़ा पता नहीं कहाँ से आता है, समझ में नहीं आता है। गाइज इसका कोई भी उपाय हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, इसीलिए मैं हमेशा बर्तन के साइड पे यहाँ चौक जो आता है ना, वो लक्ष्मण रेखा जिसको बोलते हैं, वो खींच देती हूँ, सब जगह कर देती हूँ, मगर कहीं ना कहीं से अगर दीवार से टच हो गया तो वो चींटियाँ चढ़ी जाती हैं उस पर। तो हर चीज़ को फ्रिज में रखना पड़ता है या चौक के घेरे में रखना पड़ता है, अदरवाइज यही हाल है। ये दो दूध रखा था और सब में चींटी लग गई, तो अगर आपके पास कोई सोल्यूशन हो किचन से पूरी तरीके से चींटियां चली जाएं तो क्या यूज करें प्लीज मुझे बताइए। सो गाइस किचन का सारा काम खत्म हो चुका है और किचन का ये हाल हो रखा है और अब मुझे इसे क्लीन करने की जरूरत है, तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से इसे क्लीन करने के बाद। और ये देखिए गाइस ये मेरे बच्चों का कारनामा है, किसी ने दूध पिया गया है, किसी में कोल्ड ड्रिंक पी गई है और चाय के जो कप्स हैं वो सब कॉफ़ी के सब ला करके उन लोगों ने यूज़ करते हैं वो लोग और रख देते हैं। अब इन्हें धुल धुल के मुझे हटाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये टूट जाएंगे इधर उधर लड़बड़ के। तो बस यही दिन भर काम रहता है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है दिन भर।
प्रोसेस तो पूरी तरह से डन हो गई, सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया और अब जा रही हूँ अपने रूम में रेस्ट करने के लिए। सो गाइज, आज मुझे छत पे आने में लेट हो गई और इधर देखिए हल्का हल्का सा अंधेरा हो गया है। मैं कपड़े लेने आई हुई हूँ। सो गाइज, अब हो गई रात और मैं बना रही हूँ डिनर। और डिनर में है तहरी और यहाँ पे है चावल। आप सोचते होंगे ना, अक्सर रात में मैं चावल बनाने लगती हूँ क्योंकि ऐसा होता है कि कब दिन में नहीं बन पाता है। जिस दिन भी पांडे जी नहीं आते हैं तो दिन में चावल नहीं बनता है, इसकी वजह से मैं रात में बनाती हूँ। इस वक्त मैं बना रही हूँ तहरी। हम लोग खाइए तहरी और आप इंजॉय कीजिएगा मेरा ये वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, खुश रहिए, पॉजिटिविटी बांटते रहिए एंड बाय बाय।